गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू एंटर दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 8 साइंस अध्याय 17 तारे एवं सूर्य परिवार से, जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं? 7, 6, 5, 8। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आप चुन रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमारे सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन की बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सही आंसर आप चुनने जल्दी से। तो सही आंसर आप चुन लिए होंगे बच्चों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8.3 प्रकाश वर्ष इज राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करें पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो प्यारे बच्चों आप आंसर भी चुने जल्दी से। तो सही आंसर आपका होगा शुक्र इज राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करें कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, तो ये क्या है? ये आपकी उल्काएं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुने। तो सही आंसर आपका होगा प्राकृतिक उपग्रह, प्यारे बच्चों चंद्रमा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें कि इनमें कौन ग्रह नहीं है, तो सीरियस जो है आपका ग्रह नहीं है, बाकी ये सभी ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की बात करें सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर जल्दी से चुने। तो प्यारे बच्चों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं सूर्य परिवार में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म हॉट ग्रह कौन सा प्लैनेट है, तो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से चुने। तो आप जान रहे जो भी सौर मंडल के नजदीक में रहते हैं वो ग्रह काफी हॉट होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बुध आपके लिए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बुध, शुक्र या प्लूटो बच्चों, तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी बुध इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? कृत्रिम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। तो प्यारे बच्चों आप आंसर जरूर चुने होंगे। जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें किस ग्रह को प्रभात का तारा कहा जाता है? शनि को, बुध को, शुक्र को या चांद को? तो इनका प्यारे बच्चों सही आंसर आपका होगा शुक्र तारा को प्रभात तारा कहा जाता है, जो कि सुबह में आपको दिखाई देता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा तारामंडल इज राइट आंसर। अगर इसमें से पूछा जाए निम्नांकित में कौन तारा है, तो टाइटन आपका तारा नहीं है, फोबोस तारा नहीं है, पुष्टल तारा नहीं है, लेकिन सूर्य एक तारा है, इसे जरूर याद रखें। इस क्वेश्चन की बात करें सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो आपके पास 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस? प्यारे बच्चों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करें कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष या सौर पड़ोस में? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आप जल्दी से चुने। तो आप जान रहे हैं खगोलीय पिंड को प्रकाश वर्ष के सहारे नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें सूर्य परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति इज आपका राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखें कि सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुने बच्चों। तो सही आंसर आपका होगा बृहस्पति इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है, तो सही आंसर आप इसमें से चुन सकते हैं। सही आंसर आपका होगा बुध इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन की बात करें मौसम की भविष्यवाणी संचार का सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम उपग्रह। क्वेश्चन की बात करें पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शनि, बुध, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा चंद्रमा इज राइट आंसर। इस नंबर क्वेश्चन की बात करें किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र, शनि, मंगल या वरुण को? प्यारे बच्चों सही आंसर आप चुन लिए। करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, कॉमेंट करके इसका जवाब दें आप। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफी ब्यूटीफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मन लगाकर स्टडी करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों नई क्लास में। थैंक यू।